हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में ये डिज़ाइनर सा ब्यूटीफुल सा रफल स्लीव ब्लाउज़ बनाएंगे। ये हम किसी स्कर्ट पर या साड़ी पर या किसी पर भी पेयर करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ मीटर का सिक्वेंस फैब्रिक लिया हुआ है और लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया हुआ है। एंड देन इसमें हमारा हाफ मीटर नेट यूज़ होगा। सो सबसे पहले हम हमारे लाइनिंग वाले फैब्रिक पर मेजरमेंट कर लेते हैं एंड देन उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे सिक्वेंस फैब्रिक पर मेजरमेंट करेंगे। आप इसमें कोई सा भी फैब्रिक लेंगे तो लुक बहुत ही प्यारा आएगा ब्लाउज़ का। सो इसे आप किसी पर भी पेयर कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर लाइनिंग वाले फैब्रिक को सबसे पहले डबल फोल्ड में ले लिया है एंड देन अब इस पर हम हमारा मेजरमेंट लगा लेते हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेजरमेंट ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं 10 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। ये हमारा बंद भाग की साइड मार्क कर रही हूँ और ये हमारा फ्रंट भाग रहेगा। सो और मैं यहाँ लेंथ ज़्यादा ले रही हूँ। मैं यहाँ पर 15 इंचेस लेंथ ले रही हूँ बिकॉज उसमें यहाँ पर ये इसे हम क्रॉप टॉप जैसे भी वेयर करेंगे सो इसकी लेंथ में थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ। एंड यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ 6.5 इंचेस। यहाँ पर भी मैंने 6.5 इंचेस लिए है मैंने आर्म होल भी। एंड देन अब उसके अकॉर्डिंग हम हमारा गला बंद भाग की साइड ले रहे हैं क्योंकि हम आगे की साइड हुक पट्टी नहीं रखेंगे, बैक साइड में हुक पट्टी रखेंगे। सो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सो मैं यहाँ पर गला 5.5 इंचेस ले रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड देन गले की डीप मैं यहाँ पर 3 इंचेस रख रही हूँ। 3 इंचेस मैंने यहाँ पर गले की डीप ली हुई है एंड देन आप आपके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। सो इस टाइप से हमारा मेजरमेंट हुआ। अब इसको हम मिला देंगे। सो ये जो हमने मेज़रमेंट किया है इसको हम मिला देते हैं। सो यहाँ पर मैं स्ट्रेटली मार्क ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पर गले में एंड आर्म होल में भी स्ट्रेटली मार्क ड्रॉ कर लेंगे और इसको जो हमने 10 इंचेस पर मार्क किया है उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा मार्क मेजरमेंट करके आर्म होल में 1/2 इंच की गोलाई दे देंगे। मैं यहाँ पर वेस्ट मार्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर आप वो हम बाद में एक्चुअली फिटिंग दे देंगे, बिल्कुल स्ट्रेटली फिटिंग दे देंगे। यानी अब मैंने यहाँ पर शोल्डर में 1/2 इंच का कंधी में उतार दे रही हूँ। इस टाइप से मैंने 1/2 इंच का कंधी में उतार दे दिया है एंड देन ये हमारा फ्रंट भाग की ऑल ओवर मार्किंग हो गई है। देन इसको हम कट कर लेंगे। सो ये हम फ्रंट भाग के अकॉर्डिंग ही हमारा बैक पार्ट कट करेंगे। सो मैंने यहाँ पर फ्रंट भाग जो जैसा था उसी के अकॉर्डिंग हमारा हमने हमारा बैक पार्ट कट किया है। सो बैक पार्ट में मैंने ये बैक पार्ट हमारा खुली साइड से जो हमारा बंद भाग नहीं है क्योंकि हम इसमें गले में बैक साइड में हुक पट्टी रखेंगे। सो मैं यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 3 इंचेस मैंने यहाँ पर डीप लिया और 2 इंच पर मार्क किया है। एंड देन उसके बाद नीचे की साइड हम 5 शेप रखेंगे। 5 शेप का गला बनाएंगे। पत्ती शेप जिस टाइप से रहती है उस टाइप से हम गला बनाएंगे। सो ये यहाँ पर मैं नीचे से 5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ एंड देन यहाँ पर इस टाइप से इसको स्ट्रेटली मिला देंगे ऊपर तक। ऊपर मैंने 1/2 इंचेस की गैपिंग रखी है जो हमने 2 इंच पर मार्क किया उसमें और नीचे के मार्क में हमने 1/2 इंचेस की गैपिंग रखी है एंड देन उसको यहाँ पर मिला दिया है। अब जो ये हमारी एक्यूरेट डीप है ये 4 इंचेस से नीचे से और ऊपर से हमारी डीप 2.5 इंचेस है और नीचे से हमारी डीप 3 इंचेस है। अब इस मार्क को हम कट कर लेंगे जो ये हमने मार्किंग की है। ये हमारा मार्किंग कट करने के बाद जो हमारा सिक्वेंस का फैब्रिक है उसमें हम मेजरमेंट लगा देंगे। ये ब्लाउज़ हमारा 1/2 मीटर में भी बहुत ही परफेक्टली रेडी हो जाएगा क्योंकि इसमें स्लीव्स तो हम नेट फैब्रिक की लगा रहे हैं। सो हमारा ब्लाउज़ 1/2 मीटर में भी बन सकता है। सो बहुत ही इजीली बन सकता है। सो मैंने यहाँ पर दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट को कट कर लिया है एंड उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे सीक्वेंस फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। उसके पहले मैं यहाँ पर इसमें प्रिंसेस कट रख रही हूँ। मैं यहाँ पर प्रिंसेस कट ओनली मार्किंग कर रही हूँ, इसको हम कट नहीं करेंगे। सो मैंने 4 इंचेस पर मार्क करी है एंड देन इसको मैं यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्किंग कर रही हूँ। ये इस टाइप से अगर हम पफ लगाते हैं सो ये पफ हम यहाँ पर लगाएंगे एंड देन नहीं लगाते तो भी ये हम मार्किंग स्ट्रेटली मिलाने के लिए लगाएंगे और ऊपर से मैं यहाँ पर 4 इंचेस पर मार्क करूँगी। सो ये इस टाइप से हमारा मेजरमेंट लग जाएगा और ये हमारा इस टाइप से 1/2 इंच जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे टक करने के लिए 1/2 इंच की हम यहाँ पर सिलाई दे देंगे। इसको कट नहीं करेंगे और इसको दोनों साइड हम प्रेस कर लेते हैं। जो हमने मार्क लगाया इसको दोनों साइड हमारे फैब्रिक पर प्रेस कर लेंगे। सो ये इस टाइप से हमारी फ्रंट एंड बैक की ऑल ओवर मार्किंग एंड कटिंग हो गई है। सो अब ये हमारे सिक्वेंस फैब्रिक पर मैंने बंद भाग की साइड से रखा है। पहले हम हमारा फ्रंट पार्ट कट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा बैक पार्ट भी मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट कट कर लिए एंड ये हमने जो मार्किंग लगाई थी प्रिंसेस कट की उसको भी मैंने दोनों साइड प्रेस कर लिया है। अब हम हमारे मेन फैब्रिक को उल्टी साइड से रखेंगे और गले में सिलाई दे देंगे। ये मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक पर रख के इस टाइप से सिलाई दे दूँगी और यहाँ पर नीचे की साइड सिलाई देंगे और गले में सिलाई दे देंगे और सेम यही प्रोसेस हम हमारे बैक पार्ट में भी करेंगे। हम हमारे गले में भी सिलाई दे देंगे और नीचे की साइड सिलाई देंगे। बीच में हम सिलाई नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर हम डोरी या फिर बटन लगाएंगे एंड देन नीचे हम यहाँ पर हुक पट्टी लगाएंगे। सो मैं बिल्कुल नीचे और हमारे गले में ही सिलाई दे रही हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलाई दे दी है। मैंने नीचे की साइड सिलाई दी है और दोनों जो भी हमारे गले थे उनमें मैंने यहाँ पर सिलाई दे दी, आप देख सकते हैं। एंड देन अब इसमें फिनिशिंग से पलटने के लिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा दूंगी क्योंकि हमारा कपड़ा कहीं पर मोटा कहीं पर पतला होता है। सो फिनिशिंग से पलट जाए उसके लिए यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग से गोलाई से पलट जाएगा।
सो मैं यहाँ छोटे छोटे से कट लगा रही हूँ, एक 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 1.5 इंचेस की गेपिंग पर। एंड देन हम आर्म होल में, हमारे जो आर्म होल है उनको हम पट्टी पलटेंगे। सो उसके लिए मैंने वहाँ पर सिलाई नहीं दी है। सो इस टाइप से मैंने नीचे की साइड फोल्ड कर दिया है एंड गले में से इस टाइप से मार्किंग को स्टिच कर दिया है। एंड देन यह इस टाइप से हमारा फैब्रिक रहेगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गले में स्टिच दे दिया है और नीचे की साइड भी स्टिच दे दिया और उसको पलट दिया है। एंड देन यहाँ पर अगर हम पफ लगाते हैं सो वो इस टाइप से पहले लगा देंगे एंड उसके बाद हम हमारा प्रिंसेस कट लगाएंगे। सो मैंने यहाँ पर अब इसमें मेन सिलाई लगा दी, ऊपर की साइड से मैंने यहाँ पर स्टिचिंग दे दी है। एंड इसके बाद हम हमारे शोल्डर्स को टक कर लेंगे। सिलाई देने के बाद ही शोल्डर्स को टक करेंगे, पहले हम सिलाई दे देंगे। अगर आप चाहें तो गले में दो सिलाई भी दे सकते हैं या फिर एक सिंगल सिलाई भी दे सकते हैं, वो फिनिशिंग के लिए रहेगी। सो मैंने यहाँ पर सिंगल सिलाई दी है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर हमारे शोल्डर्स को टक कर देंगे, फ्रंट पार्ट से हमारे बैक पार्ट के शोल्डर्स को दोनों को अटैच कर देंगे। उसके बाद हम आर्म होल में इस टाइप से पलट देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर नेट की स्लीव्स लगाएंगे ताकि हमारे जो वो रुए बाहर आ जाती है फैब्रिक में से वो नहीं आएंगे। सो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पलट दिया है फैब्रिक को, ताकि वो पलटेगा नहीं। एंड देन इस टाइप से मैंने शोल्डर्स को भी अटैच कर लिया है। अब मैं नीचे की साइड बैक पार्ट पे हुक पट्टी और आई पट्टी लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें वेलक्रो भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर चेन भी लगा सकते हैं, या फिर हुक पट्टी भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं हुक पट्टी लगा रही हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं छोटी सी डोरी टक कर लूँगी और टक करने के बाद यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मार्किंग की थी वहाँ पर हम आधा आधा इंच, बिल्कुल आधा इंच की सिलाई दे देंगे जो हमारी मार्किंग पे, वो हमारे मेन फैब्रिक से इसको टक कर देंगे। एंड देन उसके बाद सिलाई देने के बाद यहाँ पर हम पहले प्रिंसेस कट में सिलाई लगा देंगे। एंड सिलाई देने के बाद यहाँ पर जो हमारी फिटिंग के लिए सिलाई रहती है वो हम सीधे साइड से सिलाई देंगे। पहले हम सीधे साइड से सिलाई दे देंगे। सिलाई देने के बाद यहाँ पर इस टाइप से मैंने डोरी भी लगा ली है और हुक आई पट्टी भी लगा ली है। आप देख सकते हैं ऑल ओवर समथिंग हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। एंड देन यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई दे दी। अब इसको हम उल्टी साइड से पलटेंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जितना भी हमारा मेन फिटिंग होती है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। जी ये हमारी मेन फिटिंग होगी, जितने भी पहले मेज़र कर लेंगे और उसको फिटिंग दे देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने ऑल ओवर ब्लाउज़ में स्टिचिंग दे दी, आप देख सकते हैं। और यह हमारा ब्लाउज सिर्फ हम बटन लगा देंगे तो ऑल ओवर रेडी हो गया है। अब उसके बाद हम स्लीव्स लगाएंगे। सो मैंने स्लीव्स के लिए 1/2 मीटर नेट फैब्रिक लिया है। ये नेट फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ मैं 25 इंचेस ली है डबल फोल्ड में। एंड यहाँ पर 12 इंचेस लिए मैंने डबल फोल्ड में, विथ 12 इंचेस लिए और लेंथ मैंने 25 इंचेस लिए। अब इसको डबल फोल्ड था तो एक को बार फोल्ड करेंगे तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड, 4 फोल्ड में हो गया है। एंड देन इसको अब ट्राइंगल शेप में पलट देंगे। ये इस टाइप से मैंने ट्राइंगल शेप में रख दिया है। अब इस पर हम हमारे मेजरमेंट लगाएंगे। सो मेजरमेंट में यहाँ पर ऊपर की साइड से 3 इंचेस ले रही हूँ, क्योंकि हमारे आर्म होल 6.5 इंचेस लिए थे तो उसका मैंने आधा लिया है। अगर हम आपका आर्म होल ज़्यादा होते, 7 इंचेस होते तो आप 3.5 इंचेस या 4 इंचेस लीजिए। और नीचे से मैं लेंथ, क्योंकि हमें कोनी तक का चाहिए, सो मैं यहाँ पर 10 इंचेस लेंथ ले रही हूँ। वो रफल हमारी कोनी तक आएगी और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देगी। सो मैं यहाँ 10 इंचेस पर इंच टेप को आधा आधा इंचेस ऊपर से लेते हुए नीचे हम 10 इंचेस पर ऑल ओवर में मार्क लगा लेंगे और स्ट्रेटली इसको कट कर लेंगे। सो मैं पहले 10 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। ये इस टाइप से पहले ऑल ओवर में मार्किंग लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने 10 इंचेस पर मार्क लगा दिया है। अब इसको स्ट्रेटली राउंड शेप में मिला देंगे। यहाँ पर मैंने मार्क को मिला दिया है। एंड देन इसको अब हम कट कर लेते हैं। जो हमने मार्किंग की है, ये मार्किंग हमने इस टाइप से की है कि हमारे दोनों स्लीव्स इसी में से निकल जाएगी। यहाँ पर मैंने और ऊपर से भी इसको कट कर लेते जो हमने ऊपर आर्म होल के लिए मार्किंग की है। सो ये अब हमारी दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग हुई है। मैंने इसलिए कपड़े को 4 फोल्ड में लिया था ताकि हमारी दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ कर ली है। देन कटिंग करने के बाद इसको अंदर की साइड से, पहले हम हमारे जो स्लीव्स में हैं स्लीव्स को अंदर की साइड से ब्लाउज़ में टक कर देंगे, इस टाइप से अटैच कर देंगे। और अटैच करने के बाद यहाँ पर फिटिंग लगा देंगे। इस टाइप से फिटिंग की जो हमारी सिलाई रहती है बॉटम में, वो अटैच करने के बाद यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि हमारी रफल स्लीव्स है। सो यहाँ पर इस टाइप से सिर्फ स्ट्रेटली सिलाई लगा देंगे। सो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी और स्लीव्स को टक कर दिया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर पिको भी करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल्डन कलर की लेस लगा रही हूँ, सो उसका लुक और भी ब्यूटीफुल आएगा। सो मैं यहाँ पर गोल्डन कलर की लेस लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें पिको भी करवा सकते हैं, तो भी उसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा। सो ये ऑल ओवर हमारा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। यहाँ पर लेस लगाने के बाद मैं दोनों साइड लेस लगा लूँगी और आप देख सकते हैं हमारा ब्यूटीफुल सा ब्लाउज, क्रॉप टॉप या अदरवाइज इसको किसी पर भी पैक करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। आप देख सकते हैं बनने के बाद कितना ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप देख सकते हैं इसका लुक पहनने पर कितना प्यारा आ रहा है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।